नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं क्लास नाइन्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन श्योर रहिए कि आपके एग्जाम में आएंगे। अगर ये नहीं आए तो इसके जैसे आएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सीखने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्रेस 3.127 के ऊपर बार, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। ध्यान देने वाली बात है कि 1 और 2 के ऊपर बार नहीं, सिर्फ 7 के ऊपर बार है इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और इसको बनाना है पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में। तो ये जो अभी तक आपने क्वेश्चन सीखे थे उससे थोड़ा सा अलग है और इसको समझने की जरूरत है हमें। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं, लिखते हैं लेट एक्स इक्वल टू 3.127 के ऊपर बार और एक्स इक्वल टू 3.127। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये 7 जो है ये रिपीट होना है, 7 7, और ये हमने ऐसे सो ऑन कर लिया और इस इक्वेशन का नाम हमने रखा 1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये अब ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में बनना है। पहले तो हमें क्या करना है, इस 12 को इस साइड लाना है और फिर ये जो 7 बचेगा उस एक 7 को इस साइड लाना है। तो इसको हम लोग दो बार में बनाएंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इस 12 को इधर लाने के लिए, सिर्फ इस 12 को इधर लाने के लिए इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट हो और उसको पॉइंट के इस साइड लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इधर आ जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 वी हैव। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जा रहेगा 100x इक्वल टू 3, और ये 1 और 2 दोनों साइड आ जाएगा, 1 2 आ गया। तो ये हो गया 312 पॉइंट, और ये 7 7 बार बार रिपीट होना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लेकिन क्या कि अभी तक हमारा सॉल्यूशन हुआ नहीं है। अब अगर इक्वेशन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऊपर भी पॉइंट के साइड कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस 7 को भी साइड ले आते हैं। तो 7 आप यहाँ पर इकट्ठे ला सकते थे लेकिन वो सही नहीं रहता। अब यहाँ पर हम 7 को एक बार और इधर लाएंगे तो फिर लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। इस बार इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाय 10 वी हैव। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000, ये हो गया एक्स इक्वल टू, और इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 312, और ये 7 भी इधर आ जाएगा, और ये पॉइंट के बाद फिर ये 7 7 7 रिपीट होता रहेगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 को अब भूल जाना, इक्वेशन 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं। तो अब इधर लिख लेते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 1000x इक्वल टू 3127.777, और ये सो ऑन, और ये हमारे पास है 100x इक्वल टू 312.777 ऐसे, ठीक है। तो अब इसको आपको माइनस कर लेना, ये माइनस ये भी माइनस। अब आप पहले 1000 में से 100 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 900x इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 7 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको माइनस करते हैं 7 में से 2, तो ये हो जा रहा है 5, और ये बचेगा यहाँ पर 2 में से 1, तो ये 1, और 11 में से 3 आएगा जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और ये बचा 2 2815, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जा रहा है 2815 अपॉन ये 900। अब इस 900 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 5 और इसके लास्ट में 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है, नीचे वाले को पहले किया तो 5
वन जा फाइव, फाइव पे एट जा फोर्टी और ये जीरो, एटीन फाइव जा नाइनटी होता है और ये जीरो लिख दिया। अब इसी तरह से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव, फाइव जा ट्वेंटी फाइव, तो बच रहा है थ्री, तो फाइव सिक्स जा थर्टी और फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो बचेगा हमारे पास ये हो गया 563 अपॉन 180। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।